नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल की नई अनाज मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आपको दो व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे, हाथों में कागज हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। परेशान इस वजह से हैं क्योंकि मैं आपको अगर बताने पर आऊँ तो आपको याद होगा कि धान घोटाले की अगर बात कर लें, क्योंकि धान का सीजन है और ऐसे में उसकी लगातार परते खोलते हुए, अभी यानी कि पूरी परते खुली भी नहीं है, सीएम फ्लाइंग के अलग अलग जगह पर छापे भी पिछले दिनों डले, और ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगी एक और बड़ा मामला यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसमें हमारी अपील सीएम फ्लाइंग से भी जरूर रहेगी कि इस मामले की भी जरूर जांच की जाए, तहकीकात की जाए कि आखिर ये क्या मामला है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये जो बड़े बड़े आपको लोडेड ट्रक दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें धान है, पीआर धान है, उसकी बोरियां कट्टे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जहां से ये लेकर आए हैं यानी कि यूपी से ये धान हरियाणा में आता है, लेकिन हरियाणा वाले भी इसको मना कर देते हैं, और जहां से ये लोड करवाकर यूपी से लेकर आए, अब यूपी वाले भी इस धान को वापस नहीं ले रहे। आखिर ये पूरा का पूरा माजरा क्या है, क्यों वो लोग ऐसे कर रहे हैं, और ऐसे में ये जो बड़े बड़े कट्टे आप देख रहे हैं, इन बेचारों का क्या कसूर है? ना ये आगे कोई और काम कर पा रहे हैं, ना ये इसे कहीं रख पा रहे हैं, ना ही ये कुछ और कर पा रहे हैं, ना ही ये कुछ और लोड करके कहीं और जा सकते हैं। ऐसा ही है भैया, यही परेशानों भी इनका करेंगे कि आप ना तो जहां से आप लेके आए हो वो इनको रख रहे हैं, ना जहां आपने छोड़ना था वो इनसे डिलीवरी ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश मलिक जी। हुआ क्या है, ये क्या पूरा मामला है? ये हम बाराबंकी से लेकर आए जी, बराड़ा के। ये 8 तारीख की जी, 8 तारीख दिन हो गया मतलब? हाँ, 10 दिन हो गए जी। 8 तारीख को जब बराड़ा में पहुंचे तो हमने सुबेरे दलाल को फोन किया, ये खतार राइस फील्ड में मैं पैदल गया 2 किलोमीटर जो ये खतार राइस फील्ड में। हाँ जी, यूपी में कौन सी जगह? ये रदौली सी जी, रदौली जी, रदौली। तो वहाँ पर वो कहने लगे भैया मेरा 5 गाड़ियों से सौदा हुआ था, जो कि 8 गाड़ी मेरे पास आ चुकी है, मैं किसी का कोई धान नहीं लूंगा, आपने जहाँ से लोड किया है। पहले आप मुझे शुरू से बात बताओ, आपने वहाँ से तो ये लोड करवाया, कहाँ छोड़ना कहाँ था? बराड़ा, बराड़ा जी। इसमें धान है जी? धान है, दिखाओ जरा ऊपर धान, कितने बोरी है ये? 750 बोरी है जी। कितने क्विंटल है ये? 343 क्विंटल जी। अच्छा, तो ये ट्रक आप ही का है? हाँ जी हाँ। और 10 दिन से हम परेशान हो रहे हैं, कोई इसका बारिश नहीं बन रहा जी। बारिश नहीं बन रहा? नहीं, बराड़ा से लाडवा, लाडवा से करनाल, 3-4 दिन तो हम होटल के ऊपर खड़े रहे, जो कि किसी ने कहा कोई बारिश ही नहीं बनिया, कोई बारिश नहीं बन रहा है। ऐसा क्यों, जब आप यूपी से इसे लेकर आए, यूपी वाले क्यों बारिश नहीं बन रहे हैं? उसको ये लगता है गाड़ी वाले कहीं नहीं जाने वाले, अगर ये अपने घर पर माल उतारेंगे तो मेरे FIR करवा दिया, बाद में इनके ऊपर क्लेम डाल दिया, हमने उस रोड के ऊपर का आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, मान ले अगर ये उतारेंगे, जिसको कोई ले नहीं रहा, वो हमारे को फुल रेट मिले इसका, ये फंस रही है जी सारी बात। अगर इसको हम उतार ले वो फिर हमारी रिपोर्ट करवाओगे, आज कैसे यूपी में जाओगे तो फिर वो बदमाशी करेगा। हम सोचते हैं अपना हमारा पेंडा छोड़, इसे कहीं छोड़ने लायक बचे हैं, ना इसे कहीं उतारने लायक बचे हैं, वापिस इसे कोई ले नहीं रहा, वारिस इसका कोई बन नहीं रहा। आप तो परेशान है, आप कुछ और लोड करके जा नहीं सकते कहीं पर? हम मजबूर हो गए ना जी, तो ट्रक यहाँ एंगेज हो गया, यही फंस गया। कल हमने उसको बोला भैया इस माल को आज तरवा दिया, जो तूने हमारा भाड़ा डाला हम तेरे खाते में वापिस डाल देंगे। हमारा जो दिहाड़ी बनती थी, पेमेंट थी, वो टोटल मिल गई उसने जी 6 दिन की डाली। कल हमने उससे डीजल के पैसे मांगे, जो पूरे हरियाणा में चक्कर काट चुके गाड़ी वाले। हाँ, यूपी उसी से मांगेंगे, और किससे बात करें? यहाँ वाले व्यापारी तो कह देते हैं भैया उसी से बात करो जिसने लोड करे, हम तो जहाँ उतारेंगे और वो जो पेमेंट बोलेंगे हम दे देंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पेमेंट मिली आपको? नहीं मिली। हाँ, उसने 6 दिन की पेमेंट दी है जी, लेकिन अब आपको ये कि हम इसे उतार नहीं सकते? हम उतार नहीं सकते। कल भी हमने उसको बोला अपनी 6 दिन की पेमेंट वापस ले, अपना भाड़ा वापस ले ले, हमारा पेंडा छोड़। तो ये जो दूसरा ट्रक है ये किसका है? ये इस भाई का है। आपके साथ भी भैया सेम हो रहा है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? किस्मत है जी। किस्मत जी? किस्मत, किस्मत तो खराब ही चल रही है, लेकिन खराब है जी। क्या हुआ, क्या है? बस ये है जी, जीरी खराब है, वो जगह जगह बेचता है, इसके रुपये लगाते हैं 1700-1600, वो सोचता है 2000 में बिका है, 1800 में बिका है, उसको कोई लेता नहीं, जो इतना रेट लगा देता है उसके फोन नहीं उठाता, फिर वो फिर कह देता है लाड वाले जाओ। कह रहे हो दिक्कत इनके वाली है, आपके वाली क्या दिक्कत है? आप कहाँ से लेके आए थे? ये इकट्ठा ही तो है जी, एक ही उसी की है। बस आगे आपका भी नहीं लिया जा रहा? नहीं, ये दोनों एक ही जगह से। हाँ, एक ही जगह से। क्या चाहते, क्या है आप? खाली हो जा जी, हमारा डीजल खर्चा मिल जा। सीएम फ्लाइंग इस पूरे मामले की जाँच जरूर करे की आखिर क्यूँ इसके वो बारिश नहीं बन रहे जहाँ से आप इनको लेके आयो। उसकी बिल्टी कोई बारिश नहीं, आपके पास सारे कागज हैं उसको? हाँ जी, सारे प्रूफ हैं, सारे प्रूफ हैं जी इनके पास, सारे के सारे प्रूफ हैं, लेकिन परेशान ये इस वजह से। वैसे क्या क्या लोड करके आप लेके जाते हैं? यहाँ से ले गए थे जी हम रेलवे का सामान गन्नौर से समस्तीपुर का, वहाँ से उतारे, हमने सोचा अपना दूर एक से दूसरे राज्य में आना जाना लगा रहता है, ट्रांसपोर्ट का काम है जी।
तो उसकी वजह से इसमें इतने परेशान हो गए कि हमने सोचा धंधा करना, व्यापार करना, क्यों किसी का माल उतारे, क्यों किसी के साथ नजायज काम करे। 5 दिन तक हम उसको बोलते रहे हमने दिहाड़ी नहीं चाहिए, हमारा माल उतरवा ले, लेकिन उसने कोई सुनवाई नहीं करी। वो बोले भाई उस्ताद तू अपना लाडवा जा खड़ा हो जा, दुर्गा राइस मिल में उसने हमारे को भेज दिया। 2 दिन तक वो मिल वाला भी उसको फोन करता रहा, लेकिन उसने मिल वाले का फोन नहीं, आखिर में दुर्गा राइस मिल वाला करेंगे क्या, इसका कोई वारिस ना बनाने वाले 10 दिनों तक भी आप तो यही फंस के फंस रहे। बस फंस गया क्या जी, मजबूरी होगी, नहीं ड्राइवर की सैलरी मिलेगी ना कुछ मिलेगा, उधर से रोटी खर्चा हो रहा जी, रोज की किस्ती भी, गाड़ी की किस्ती भी 1 लाख। आसपास के तमाम लोग हैं, देखिए मंडी के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं, जो इनकी परेशानी को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए भैया, ये दोनों तो यहाँ फंस चुके हैं, क्या करेंगे क्या अब, ये ना ये माल उतार सकते ना ये कहीं ले जा सकते। जो होगा उसके यहाँ उतर जाएगा माल, बस ट्रांसपोर्टर अपना निपटा लेगा। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, गेट के बाहर उतार देना चाहिए? गेट के बाहर कौन उतारेगा, माल तो है ही है, ट्रांसपोर्ट वाला जो ट्रांसपोर्ट वाले के थ्रू भरी होगी तुम ना, ट्रांसपोर्ट वाले के थ्रू उतार। सारे कागज वगैरह देख रहे हैं क्या, समझ आइए इस पूरे। ट्रांसपोर्ट हमारा वहाँ हैदराबाद में है, वहाँ फैजाबाद ले जाओ इसको वापस। फैजाबाद नहीं, तुम कहाँ गए हो? हम पानीपत के हैं। तुम वहाँ तैर लो, माल सेफ रखो, अगले का जब आएगा माल दे दियो। पहले खराब हो रहा है, हम कहाँ से भरेंगे यार, माल तो अगले अगला कह दे, हमें तो सुनना था। खराब है सही है, उससे आपका क्या, आप जहाँ से लेके आए हो आपने जहाँ उतारना आप उतार दो, हमें तो सुनना था, बताओ कहाँ से देंगे। यही रूल होगा जी, मैंने आपसे सवाल किया था, कुछ समझ आया आपको? मैं तो इनके बिल देख रहा था, एक कटारिया राइस मिल के नाम बिल है बराड़े के। मेरा नाम मोनू है जी। कौन है आप? यहाँ मैं आड़ती हूँ जी, मंडी में। तो ये यूपी से आए हुए हैं, इन्होंने हरियाणा के अम्बाला में इन्होंने ये डिलीवर करना था, वो ले नहीं रहे आगे से। ऐसे कितने मामले वाले ने माल हड़का भेज दिया होगा, अब जो मील वाले कंडीशन थी मान लो 17-18 मोस्टर की, इसमें इनका तो कोई कसूर, इनका कसूर नहीं है, तो ड्राइवर है। इनका तो इन्होंने अपना भाड़ा लेना, ठीक है, माल उतरा नहीं रहा, तुम तो एक काम करो, इस अगले का माल तैर लो अपनी जगह पे, जब आएगा थारा भाड़ा दे जाएगा, माल ले जाएगा अपना। हम गए थे कल थाने में भी गए थे हम, हाँ। 4 सेक्टर थाने में, वो बोले हाँ जी गए थे हम, वो बोले भाई साहब इसमें हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। मैं बोला जी कल ना फट दे मारे घर आ जाओगे, जब इस माल को अपने घर उतार लेंगे ना तब कार्रवाई होएगी, तब पार्टी भी आ जाएगी, सब आ जाएंगे। यही यही ये ऐसी सीन होता है इन कामों में, फिर कर क्या सकते हैं, समाधान क्या बनता है? इसका समाधान ये है, ये गाड़ी वाले माल को अपने घर उतार लेंगे, पार्टी आएगी इनका भाड़ा देगी और माल उठा के ले जाएगी। यही तरीका हुआ है, अपनी जगह माल तैर लो, और अब तो मीडिया रिकॉर्डिंग हो रही है, रोला समझे नहीं, वो तो हो रही है वो जनाब बोले खाली करवा ले, मिल वाला कह रहा था भैया गाड़ी खाली करवा ले, 2 रुपए तेज आ जाए ना जब बेच लिया इसको, मैं कोई किराया लूंगा। तो मैं बोला मैं हमने ना दिहाड़ी चाहिए, हमारा भाड़ा भाड़ा डाल दे, अरे गाड़ी खाली करा ले, हम अपनी ले जाएंगे, हमने कुछ नहीं चाहता भैया। चलो नुकसान, क्या करना क्या चाहिए, ऐसे करना क्या था, ये माल अपनी जगह पर जो जगह होगी ना इनकी, वहाँ माल उतरा लेंगे, जगह भी नहीं है, कोई गोदाम किराए पर ले लो महीने वास्ते, वहाँ माल उतार देंगे, अगला भाड़ा दे जाएगा इनके यहाँ, अपना माल ले जाएगा। समझदार आदमी है, बता रहे हैं कुछ कर लो, फिर क्या दिक्कत। ठीक है सर, आ दो जैसे आप कहते हैं, हम तो ले जाएंगे उसको बार बार यहाँ पे भी, कब तक खड़े रहोगे, क्या करे उसको, ये पता ही इनके पास में एक एक गाड़ी है, कोई ज्यादा गाड़ी कोई मदद नहीं कर रही है ना, क्योंकि सिंगल बंदे हो गए ना जी, एक गाड़ी को इसको कहां फंसा है उसको पता है सब ट्रांसपोर्टर को, अके सिंगल बंदे एक गाड़ी अपना करने खाने के लिए। आरती जिनसे हमारी बात हुई उनका भी यही कहना था कि होता है इन मामलों में यही है कि आप अपने घर उतारो ताकि आपके ऊपर एफआईआर। तो वो समस्या ना जी, हम सिंगल बंदे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे, और अगले को भी बताए एक एक गाड़ी के मालिक है, आज उतारे कल ना उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना आन की गाड़ी पकड़ के फिर खड़ी, हम सोच रहे अपना ना झगड़ा हो ना लड़ाई हो, अपना माल उतरे। पहले भी कभी ऐसा मामला हमारे साथ नहीं हुआ, आज पहली बार, साथ पहली बार हुआ है, लेकिन हो सकता है कई ड्राइवरों के साथ जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कई ट्रक मालिकों के साथ ऐसा पहले भी हो चुका हो। दोनों ट्रकों के एक बार नंबर देख लीजिए, एक ट्रक का नंबर है RJ52GA4431, ये एक ट्रक का नंबर है, और दूसरे ट्रक का नंबर एक बार देख लीजिए HR46B5827, HR46D, माफ कीजिएगा पहले मैंने बी बताया, उधर मिसप्रिंट था, और इधर देख लीजिए HR46D5827, ये दूसरे ट्रक का नंबर है। अब काफी ज्यादा ये ट्रांसपोर्टर्स परेशान है कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। अगर कभी धान के सीजन में आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप भी हमें जरूर बताइए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।